तो भाई बहुत दिन के बाद मैंने सोचा कि आज भाई जेप्टो करके देखते हैं। कि मैंने सोचा हूँ कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते पूरे जेप्टो करता हूँ, 15 घंटे 20 घंटे जितना हो सकेगा मैं करूँगा, और मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी अर्निंग होती है। लेकिन सब कुछ सही रहा तो, अगर कुछ भी मुझे गड़बड़ लगा तो फिर मैं, ये मेरा जेप्टो में लास्ट दिन ही होगा, मैं इसके बाद जेप्टो करने वाला हूँ नहीं। लेकिन हाँ, अगर अच्छा रहा सब कुछ तो जरूर करूँगा। तो खैर चलो देखते हैं क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। भाई 9:27, 26 मिनट पर मैं ऑनलाइन हो चुका था, देख सकते हो यहाँ 4 मिनट ब्रेक दिखा रहा है। 9 बजे से मेरी शिफ्ट थी तो मैं हो गया था 9:26 पर लेफ्ट, इसलिए यहाँ दिखा रहा है आपको कि 4 मिनट लेफ्ट, क्योंकि 9 से 5:30 का मेरा शिफ्ट है, इसलिए दिखा रहा है क्या 4 मिनट लेफ्ट। तो भाई मैं लेट आया, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि जेप्टो में भाई कितनी कमाई होती है। अभी देखो मैं 1 मिनट लॉग इन हो चुका हूँ, यहाँ दिखा रहा है 1 मिनट। अब देखते हैं क्या हो सकता है, कितना कमाई होती है। देखो वेटिंग फॉर ऑर्डर दिखा रहा है, अब कब पहला ऑर्डर आता है मैं दिखाता हूँ सब कुछ आपको। अब मैं ये लगाऊंगा, आज मोबाइल होल्डर है भाई। देखो पहला ऑर्डर ही हमारे पास आ चुका है, वो भी COD का, 228 रुपये मुझे लेने हैं। यार नौटंकी हो गई ये तो। आइटम कितना है, 1, 2 ऑर्डर पैकड 3। देखो वाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ कोई कलर नहीं तो वाइट है, तो वाइट 3 बॉक्स वहाँ बना रहता है, वाइट 3 का बॉक्स मैं दिखा दूंगा। चलो अभी देख लो क्या है, 3 दूध है और 1 लेज़ है, और ये लेके जाना है। देखो हम लोग अभी स्टार्ट डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है अभी दिख जा। ये देखो स्टार्ट डिलीवरी करो स्कैन करके, स्कैन अभी नहीं बताया तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बता दूंगा। जे ब्लॉक जाना है, चलो कोई बात नहीं। जे ब्लॉक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नेविगेशन है तो नेविगेशन पर क्लिक करो, ये रहो। चलो अब देख लो इसमें कितना किलोमीटर है, 2.1 किलोमीटर, तो स्टार्ट कर दो बस। अरे यार 2.8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, इसमें स्टार्ट कर दो बस। ये रहा, अब लोकेशन देख कर चले जाओ। चलो देखते हैं इसमें कितना मिलता है हमें, ठीक है। तो है कि जेप्टो में पहला ऑर्डर कैसे डिलीवर करें, तो भाई पहला ऑर्डर डिलीवर करने के लिए सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा वहाँ स्टोर पे, फिर नेविगेशन देखकर आपको लोकेशन पर आना पड़ेगा। लोकेशन पर देखो मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करना है, यहाँ देख लो मार्क अराइव, ठीक है इस पर क्लिक कर दो, ठीक। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, डोंट कलेक्ट 2000 नोट्स फ्रॉम कस्टमर, मतलब 2000 का नोट आपको कस्टमर से नहीं लेना है। सीधे साफ तौर में यहाँ मना कर रखा है, क्योंकि लेते हो तो 2000 का नोट बैन हो चुका है और आपको फिर भुगतना पड़ेगा। अब क्या करना है, यहाँ पहुँचने के बाद देखो टेक फोटो ऑफ आइटम्स, जितना भी आइटम है कि आपने भाई सही लाया है या नहीं लाया है, वो आपको यहाँ इसका फोटोज़ देना पड़ेगा। आप किसी का भी कहीं भी दे सकते हो, इधर उधर का भी फ़ोटो, मैं इधर का भी दे दूँगा तो अपना भी दूंगा चलेगा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता, इसलिए ठीक है। जो भी आइटम है मैं यहाँ क्लिक करूँगा इसे, देख लो फ़ोटो दे दिया, और सबमिट फ़ोटो। सबमिट फ़ोटो करने के बाद अब आएगा क्या, टेक कैश या शो QR, मतलब अगर कस्टमर ऑनलाइन पे करता है तो आप शो कर सकते हो QR, यहाँ करोगे देखोगे QR आ गया, ठीक है। तो कस्टमर ऑनलाइन पे यहाँ से भी कर सकता है, या अगर कैश देगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से टेक कैश कर लेना है। लेकिन चलो पहले देखते हैं कि क्या देते हैं कस्टमर मुझे, कैश या ऑनलाइन। भाई कस्टमर ने क्या कर दिया, कैश किया पे, अबे चुप, कैश पेमेंट कर दिया और मेरी आईडी हो जाएगी बंद। इससे पहले मुझे करना पड़ेगा क्या, डिपॉजिट। तो टेक कैश करोगे तो आपका हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले डिपॉजिट कर देता हूँ यार, डिपॉजिट कर देता हूँ पहले। करेंगे टेक कैश, पहले लेना पड़ेगा तभी जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कन्फर्म पेमेंट, चलो रिसीव हो गए, और शायद ये अगर ऑफलाइन कर दी, हाँ अराइव कर दो भाई, अब थैंक यू कर दिया, 23 मिनट लग गए डिलीवर करने में, ये मेरी गलती के कारण हुआ, मैं बाइक का स्टैंड लगा रहा था। ठीक है यार, ठीक है ठीक है, पैसे भी आ गए हैं, अब रेस्टोरेंट पे पहुंचना पड़ेगा। चलो रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आ जाएगा यहाँ पर क्या, रिच स्टोर, मतलब रिटर्न स्टोर जाने के लिए आपको नेविगेशन फिर से देता है कि आप रेस्टोरेंट पे एकदम जल्दी से पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो जेप्टो आपको पूरा ख्याल रखती है, क्योंकि उसे काम भी करवाना है और आपको भी काम चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ आओ और करो, और देखते हैं क्या हो सकता है, और भी पूरा दिन भर करना है। होम पे पहुँचते हो तो क्या कर दिया है, देखो मुझे ड्यूटी ऑफ इसने कर दिया, ठीक है। तो मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, कितना है, 104, तो मैं 105 डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। इंटर अमाउंट अपने हिसाब से भाई इंटर करना है, तो इंटर अमाउंट पे जाना है तो 105, एक अरे यार 105, 105 कर लूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अकाउंट में भी है नहीं। तो पेटीएम से कर देता हूँ मैं, पेमेंट कर दिया और 199 दिखा रहा है, ठीक है।
मतलब 1 रुपये कम 2000 से, देखते हैं ऑनलाइन हो पाएंगे कि नहीं। हाँ ऑनलाइन होंगे, ज़रूर हो गए। तो चलो भाई बाल बाल बचे। अब भाई प्लीज़ कैश मत दो मुझे। पहला ऑर्डर हमारा डिलीवर हुआ जिसमें कि मुझे देखो अर्निंग कितनी हुई, 25 रुपये एक ऑर्डर किया, ठीक है। 49 मिनट मेरा लॉग इन आवर्स हो गया है, मैंने 49 मिनट लॉग इन कर रखा है और 2.8 किलोमीटर के 25 रुपये मिले हैं। तो यही है, फिर से देखो ऑर्डर आ गया हमारे पास। वाह अच्छा ठीक है, पैकिंग ऑर्डर लिखा रहा है, इसी तरह से ऑर्डर आएगा भाई, ठीक है। चिराग दिल्ली साइड से जाना है, चलो कोई बात नहीं यार। फिर से कैश देखो, 227 रुपये का फिर से कैश, क्या ही करें भाई। चलो कोई स्टोर पर नहीं, अंदर नहीं जाना है जब तक यहाँ पैकिंग दिखा रहा है, पैकिंग ऑर्डर दिखा रहा है तो मतलब पैक हो रहा है। जब पैक हो जाए फिर चले जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपके ऑर्डर रेडी हो जाता है तो वहाँ पर आपके फ़ोन में शो कर जाएगा कि भाई आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो आप जाओगे, इसी तरह से स्कैन होगा, स्कैनर वहाँ पर स्कैन करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट डिलीवरी पर कर दो तो वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हो जाता है नेटवर्क के कारण कभी कभी। उसके बाद चलना है क्या, जो भी लोकेशन है जैसे मैंने बताया शुरू में कि नेविगेशन देखकर निकल लेना है, जो साइड में देखो यहाँ पर है भाई। 10:51 पर हमारा तीसरा ऑर्डर भी आ गया, और इससे पहले जो हमारे पास ऑर्डर था वो तो नहीं दिखेगा इसमें कितना मिला, क्योंकि इस पर ऑर्डर आ जाने के बाद कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ऑर्डर दिखेगा। इसमें आइटम क्या क्या है, 2 अमूल पार्ले है, उसके बाद सनफिश चीपी और बिस्लरी ड्रिंकिंग वाटर 2, पता नहीं कैसे जाएगा। और भाई जेप्टो के कारण मेरा ऑर्डर पूरा, मतलब क्या पता, पूरा दिन ख़राब हो गया आज का। अब क्यों हुआ ख़राब, क्या हुआ कैसे, मैं बता देता हूँ। अभी क्या हुआ कि ये तीसरा ऑर्डर है मेरा, और ये भी कैश लिमिट है, ये इसमें भी लिमिट क्रॉस हो गया है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, इसमें नहीं दिख रहा होगा, वो तो डिलीवर करूँगा तो दिख जाएगा। तो पहले तो ये प्रॉब्लम हो गया बार बार कैश का। उसके बाद अभी मेरे पास एक ऑर्डर था 25 से 30 kg से ज़्यादा होगा, ठीक है, और वो मेरे, मैं चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो ऑर्डर था 25, सच बता रहा हूँ 25 किलो तो होगा कम से कम, 5-5 किलो मतलब जो लीटर होता है पानी का उसका था, बर्फ भरा पड़ा यार, और से भी दूध वगैरह सब भी था। तो अगर रास्ते में मतलब मान लो कि बैग नहीं है मेरे पास, अगर गिरता है तो क्या होगा, वो मुझे देना पड़ेगा ना, वो कंपनी नहीं भरेगा या कोई स्टोर नहीं भरेगा, तुम्हारे तो सीने पर चढ़ के तुमसे पैसा ले लेगा भाई। इसलिए मैंने उससे बोला कि भाई आप मुझे बैग दे दो, क्योंकि जब जेप्टो पैसा लेगी ही मेरा, काटेगा ही मेरा पैसा, तो फिर आप लोग बैग दे क्यों नहीं रहे हो, बैग टी शर्ट दो मुझे भाई, काम करना है, कंपनी का काम कर रहा हूँ, मुझे बैग और टी शर्ट दो। मैंने बोला उससे तो बोलता है कि नहीं बैग नहीं है और नहीं दूंगा, जैसे लेके जाना जाओ भाई। सनक गई मेरी साला, किसी का सुनना अगर होता इतना तो मैं जाके ये डिलीवरी बॉय का काम करता, जाके कहीं अच्छा सा कंपनी में जॉब करता। तो भाई किसी का सुनना नहीं है, सीधी सी बात है, मैं डिलीवरी बॉय के लाइन में सीधे सा आया हूँ, मैं इसलिए डिलीवरी बॉय की लाइन में आया हूँ कि मुझे किसी का बर्दाश्त होगा नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से मुझे काम करना होता है, तो अपने हिसाब से काम करना है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला कि भाई ऑर्डर मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैंने बोला ऑर्डर लेके जाऊंगा, मुझे जो प्रॉपर बैग होता है वो दे दो, मैं लेके जाऊंगा, वरना बाइक पे अकेले कैसे जाएगा इतना सामान, कम से कम 25 से 30 किलो कैसे जाएगा। तो बस उसने बोलता चलो अगर नहीं लेके जाओगे तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे, बोले कर दो भाई बंद, उतना किसी का गिड़गिड़ाना नहीं है। मैंने बोलता मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है, करना है बंद करो कर दो, तो उसने मेरा आईडी बंद कर दिया। मैंने भी निकला भाग, नहीं करना यार मुझे, ऐसे में फिर मैं जेप्टो भाई आज से छोड़ दिया, सॉरी भाई उसके लिए। आप लोगों को बोला था कि मैंने दिखाऊंगा, लेकिन सच में बताओ मुझे बर्दाश्त नहीं होगा किसी का। मैं काम कर रहा हूँ, काम करूंगा, लेकिन वो जो बोलेगा कि कोई कि ऐसे करो वैसे करो, आप मेरे अंडर रहो, जो बोल रहा हूँ वो करो, तो भाई घंटा हट तेरी माँ का, मुझे नहीं करना ऐसा काम। तो बस मैंने आज से जेप्टो छोड़ दिया, देखूंगा कभी अगर होगा तो स्टोर चेंज करूंगा तो करूंगा, नहीं तो अभी नहीं करूंगा फिलहाल। तो ये देखने के बाद मेरे साथ जो ये हुआ, तो मैंने भाई पैसे कहीं से कमाने हैं, मैंने तुरंत किया एक हेलमेट खरीदा, मैं दिखा देता हूँ हेलमेट कौन सा खरीदा मैंने। काम करना है ना, तो बस इतना काम करना है, ऐसा काम करना है जो कि आपका कुछ बिगड़े ना, तो चलान इससे कटेगा नहीं। तो मैंने ले लिया कि भाई मैं बच सकता हूँ पुलिसों से, तो मैंने ये हेलमेट ले लिया, और उसी टाइम मैंने किया रैपिडो ऑन और मेरे पास आ गई राइड, और मैं निकल पड़ा रैपिडो करने, और दिखाता हूँ मैं रैपिडो में मैंने कितना कमाया। देखो 2 घंटे 20 मिनट मैंने इसमें लॉगिन रहा, लगभग 2.5 घंटे मान लो, उसने 75 रुपये की अर्निंग हुई जेप्टो में, और 3 रुपये ये, तो 75 रुपये ये हो गए,
और उसके बाद रैपिडो में मैंने देखो कितना कमाया, रैपिडो और ओला मिलाकर। ओला में तो एक भी राइड नहीं आई थी, लेकिन रैपिडो में राइड आई भाई, ठीक है। तो दो ही राइड मैंने कंप्लीट की थी, ठीक है। तो पहला ऑर्डर असाइन हुआ था मुझे कितना, 11:40 में, तो 11:30 मान लेते हैं। और लास्ट ऑर्डर जो मैंने किया है कितने बजे, देखो कंप्लीट किया था 2:40 में, तो 11:40 और 2:40 तो कितने हो गए, 3 घंटे इसमें हो गए, 3 घंटे ये और 2.5 घंटे वो, 5.5 घंटे। और 5.5 घंटे में 290 ये और 75, तो 290 और 75 कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। 290 प्लस 75 कितने होते हैं, 365 रुपये, ठीक है। 365 में कम से कम मेरी जो है 80 रुपये का तो पेट्रोल गया होगा कम से कम, मैं 80 रुपये कम कर देता हूँ, ये 80। तो 5 घंटे में आज मैंने कमाए कितने, 285 रुपये। ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन फ़ोन का बैटरी मैंने पावर बैंक लेके जाना भूल गया था, इसलिए पावर बैंक लेके नहीं गया। तो मैं आया हूँ रूम और अभी तक इतना ही दिखाया हूँ, लेकिन अभी जो शाम को काम करने जाऊँगा इसकी वीडियो कल आएगी, तो वो कल देख लेना। सच में भाई सॉरी, जो जैप्टो क्या बताऊँ, सॉरी सच बताऊँ सॉरी।